नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में दोषी पाए गए क्रिस्टन मिशेल के भारत प्रत्यर्पण से लग रहा है कांग्रेस को डर। भ्रष्ट कांग्रेस जनों को सता रही है डर, ऐसा कहना है राज्य के मुख्यमंत्री रघुबर दास का। मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने साधा कांग्रेस पर निशाना। राज्य के मुखिया ने मीडिया के माध्यम से जनता को दी नए साल की बधाई। सभी से अनुशासित ढंग से जश्न मनाने की उन्होंने की अपील। सभी के लिए नया साल सौगात भरा हो, ऐसा उन्होंने की कामना। अलविदा 2018 और स्वागत 2019, कुछ इसी सोच के साथ परिवार वालों के साथ निकल पड़े हैं सैलानी। शहर तथा आसपास के पिकनिक स्पॉटों में साल के अंतिम दिन उमड़े लोग की जमकर मस्ती। नए साल के स्वागत के लिए सभी अपने अपने स्तर से कर रहे हैं प्लानिंग। वहीं शहरवासी तथा सैलानियों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने अपनाई चाक चौबंद व्यवस्था। अतिरिक्त फोर्स के साथ पुलिस है कमर कसकर तैयार। अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों पटियाला हाउस कोर्ट में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में ईडी द्वारा इटली के निवासी क्रिस्टन मिशेल पर चलाए गए मुकदमे में घोटाला खुलकर सामने आने के बाद झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जमशेदपुर में उन्होंने एक वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस अपने स्थापना काल से ही भ्रष्ट पार्टी है। वार्ता के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री ने इस मामले में कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है और उसके द्वारा देश में बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दिया गया है। पिछले दिनों इटली के निवासी, जिस पर इटली कोर्ट के द्वारा भी मुकदमा चलाकर उन्हें दोषी करार दिया गया था, अब उनके भारत प्रत्यर्पण से कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो सोनिया गांधी को उनके द्वारा किए गए घोटालों को खुलने का डर सता रहा है, जिस कारण से पूरी कांग्रेस पार्टी राफेल विमान सौदे पर आरोप लगा रहे थे और उस मामले में भी देश के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दिया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिस राहुल गांधी के द्वारा यह प्रचारित किया गया है कि राफेल सौदे में एचएएल को दरकिनार किया गया है, खुद उन्हीं के पार्टी और सरकार के द्वारा अगस्त वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदी में एचएएल को दरकिनार किया गया है और यह साबित भी हो चुका है। इससे ये पता चलता है कि कोई भी कितना भी शक्तिशाली हो वो सजा से नहीं बच सकता है। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का जननी कांग्रेस देश की आजादी के बाद से, इस भ्रष्टाचार से कांग्रेस पार्टी ने देश को दीमक के तरह जकड़ा हुआ है और वही भ्रष्टाचारी कांग्रेस आज चोर चोर चिल्ला रही। 29 दिसंबर 2018 को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली के पटियाला कोर्ट में यह खुलासा किया है कि अगस्ता वेस्टलैंड बीबीपीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे की जांच में मिशेल ने गांधी का नाम लिया है। कांग्रेस की बौखलाहट इस वजह से भी है कि अगस्ता की खरीद के सौदे में बिचौलिए की काम करने वाली इटली की नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को दुबई में हिरासत में लिया गया था। मिशेल के आने से कांग्रेस बुरी तरह डरी हुई है और उसे डर है कि मिशेल कहीं सोनिया के खिलाफ बयान ना दे। दरअसल मोदी जी के सरकार से चोरों की नींद उड़ी हुई है। राहुल गांधी बार बार एचएएल के नाम का उपयोग करते हैं, राफेल के संबंध में भी एचएएल का नाम लेते हैं, लेकिन आज खुलासा हो गया कि बीबीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद में एचएल को दरकिनार किया गया। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने प्रदेश की जनता को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने युवा वर्ग से अपील की है कि नए वर्ष की खुशियां संयमित ढंग से मनाएं ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। एक वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य की जनता के बीच आने वाला नया साल खुशियां लेकर आए और राज्य समृद्धि के पथ पर निरंतर आगे बढ़े, ऐसे उनकी कामना है। उन्होंने राज्य भर की जनता को नए साल की शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने युवा वर्ग से अपील की कि नए साल की खुशियां मनाएं लेकिन संयमित तरीके से। अक्सर नए साल के दिन दुर्घटना देखने को मिलती है
और इस वर्ष वो ना हो, जिस कारण से मुख्यमंत्री ने ये अपील तमाम युवा वर्ग से की। पुराने साल को विदाई दे रहा है और नए साल का आगमन हो रहा है, तो इस नए साल के अवसर पर तमाम हमारे मीडिया के साथियों सहित राज्य की जनता को नए नूतन वर्ष की, नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। खासकर नौजवानों से मेरी अपील है कि उत्साह से जरूर मनाएं, उल्लास से जरूर मनाएं, लेकिन अनुशासित होकर अब मनाएं, ताकि इस नए साल में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, कोई नौजवान की हमारी एक्सीडेंट से मृत्यु ना हो। ये हम झारखंड के सभी नौजवानों से अपील करना चाहते हैं। नया वर्ष उत्साह उल्लास का होता है, पूरी उत्साह से, पूरी लगन से उल्लास मनाएं, लेकिन संयमित होकर, अनुशासित होकर नया साल का पर्व आप मनाएं। ये अपील मैं झारखंड के समस्त नौजवान साथियों से, झारखंड के फिर से मैं सभी 3 करोड़ जनता को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हर व्यक्ति के घर में समृद्धि आए। नए वर्ष 2019 के अवसर पर झारखंड के समस्त झारखंड वासियों को हमारी शुभकामनाएं हैं। आइए हम सब मिलकर के संकल्प लें झारखंड को सुरक्षित करने का, झारखंड को विकसित करने का। हम सभी आपस में मिलकर के झारखंड को एक विकसित राज्य बनाएं। हमारी सारी शुभकामनाएं झारखंड वासियों के लिए। 31 दिसंबर 2018 यानी साल के अंतिम दिन को विदा करने के लिए जमशेदपुर शहर के पिकनिक स्पॉटों में शहर वासियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान शहर के प्रमुख पिकनिक स्थलों में भारी भीड़ देखी गई। जमशेदपुर शहर के प्रमुख पिकनिक स्थल जैसे जुबली पार्क, हुडको डैम, डिमना लेक, थीम पार्क आदि में शहरवासियों की भारी भीड़ साल के अंतिम दिन दिखाई पड़ी। खुले वातावरण में सभी पुराने साल को विदाई देने एवं नए साल के स्वागत के लिए जुटे थे। पूरे परिवार के साथ लोगों ने जमकर मौज मस्ती की और वन भोज का आनंद लिया। सैलानियों के अनुसार पिकनिक में पूरे परिवार के साथ मौज मस्ती का अपना अलग ही मजा होता है और इस कारण से सभी इस दिन को साथ मिलकर मनाते हैं। इसलिए हम लोग मौज मस्ती करने के लिए आए हैं और नए साल की खुशी मनाने के लिए स्पेशली आए हैं। हम लोग पुराने साल को भूल के नए जिंदगी अच्छे से स्टार्ट करना चाहते हैं। बस यही माहौल है कि दिमाग में कुछ भीड़ ज़्यादा की वजह से थोड़ी अच्छी लग रही है घूमने में, बस इसी कारण हम लोग कुछ ज़्यादा ही मतलब पिकनिक स्पॉट भी मना लेते हैं। इस बार फर्स्ट टाइम आए हैं घूमने के लिए, बट एक तो जगह साथ बंद कर दिया गया है घूमने का, बोटिंग वगैरह बंद है चालू, बट ज़्यादा जिनका अलाउ नहीं करा तो। और हवा हवा अच्छे, काफ़ी अच्छे बह रहा थी, बहुत ही सुंदर डिमना लेक का, अच्छा बहुत ही सुंदर जगह है घूमने के लिए और यहाँ का सी बहुत ही खूबसूरत है। 18 का ये मौज मस्ती करने आए, स्कूल बंद है और 2019 को हम लोग स्वागत करेंगे। आज बहुत मौज मस्ती करेंगे, ये जगह बहुत अच्छा लग रहा है। AMG न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार, सुकन्या समृद्धि योजना लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा।
18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं ₹330 की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर जिला प्रशासन ने नववर्ष के दौरान शहरवासियों की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं, जिसके तहत शहर की सुरक्षा को बढ़ा दी गई है। साथ ही शराब के नशे में हुड़दंग करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी भी पुलिस ने कर रखी है। जिला प्रशासन के द्वारा सभी पिकनिक स्पॉटों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बलों की तैनाती की गई है, जो हर आने जाने वालों पर अपनी नजर बनाई हुई है। सैलानियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए पुलिस मुस्तैद है। साथ ही महिलाओं के साथ पिकनिक के दौरान छेड़खानी करने वालों पर भी पुलिस का कहर बरपेगा। वहीं शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। जिला पुलिस कप्तान ने कहा कि शहर के तमाम प्रवेश स्थलों तथा मुख्य चौक चौराहों पर पुलिस तैनात रहेगी, जो ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से अल्कोहल की मात्रा की जाँच करेगी और नशे में पाए जाने पर चालक के लाइसेंस व वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। एक तारीख को नववर्ष के प्रथम दिन में विधि व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए और बेहतर तरीके से लोग न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर पाएँ, इसके लिए जमशेदपुर पुलिस ने विस्तृत तैयारियां की हैं। पिछला 2 दिन पहले से ही, बल्कि 25th से क्रिसमस डे के बाद से ही हम लोगों ने जितने भी पर्यटन स्थल हैं जहाँ लोग परिवार के साथ एंजॉय करने जाते हैं, चाहे वो जुबली पार्क हो, जू हो, हुडको पार्क हो, शहर के अन्य जो स्थल हैं, लिम्ना लेक है, बुरुडी डैम है, हर जगह में हम लोगों ने लाठी पार्टी में पुलिस फोर्सेस को तैनात किया है, जिससे कि ईव टीजिंग इत्यादि ना हो पाए और कोई घटना ना हो पाए। विशेष तौर पर शराब पी करके गाड़ी चलाने वालों पर हम लोगों की नज़र रहेगी। पिछले 3 दिनों से रात्रि में 8 बजे से लेकर 12 बजे तक हम लोग चेकिंग अभियान चला रहे हैं। ये चेकिंग अभियान आज और 31 की शाम को और 1 को और अधिक तेज रहेगा। 31 की इवनिंग में 7 बजे के बाद हम लोग शहर के जो एंट्री पॉइंट हैं उन सब में भी चेकिंग करेंगे। वो आदित्यपुर ब्रिज हो, चाहे मानगो रोड हो, चाहे चेपा पुल वाला रोड हो और पोटका से आने वाला रोड हो, जिससे कि बाहर से जो हाईवे इत्यादि में शराब पी करके लोग शहर में आते हैं और एक्सीडेंट करते हैं, उनको पकड़ा जा सके। और इसके अलावा शहर में भी ड्रंकन ड्राइविंग के खिलाफ अभियान चलेगा। जो भी शराब पी करके 2-व्हीलर या 4-व्हीलर चलाते हुए पाए जाएंगे, उनको हम लोग उनकी गाड़ी को जब्त करेंगे और उनको शराब की उनकी जांच करेंगे। हम लोगों के पास में ब्रेथ एनालाइजर भी है ट्रैफिक पुलिस के पास, उससे पता चल जाएगा उनके अल्कोहल की मात्रा कितनी है। और अल्कोहल पी करके चलाने गाड़ी चलाने वालों में चूँकि ड्राइविंग लाइसेंस के जब्त किए जाने का प्रावधान है, तो हम लोग उसमें लाइसेंस को जब्त करेंगे। जमशेदपुर में सोमवार को साल के अंतिम दिन पुराना कोर्ट परिसर स्थित कचहरी बाबा मंदिर में आयोजित पूजा समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हुए। यहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर राज्य की खुशहाली की कामना की।
साल के अंतिम दिन से इस मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हुई जो लगातार 3 दिनों तक जारी रहेगी। पहले दिन की पूजा में राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल हुए। मंदिर प्रांगण में उनका स्वागत कमेटी के सदस्यों ने किया। इस दौरान उन्होंने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए राज्य में खुशहाली की कामना की। उन्होंने अपने संबोधन में अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि इस मंदिर में वे भी आकर बैठते थे और पूजा अर्चना किया करते थे। वहीं उन्होंने कहा कि भगवान राज्य की जनता को खुश रखे और राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़े, यही कामना है। साथ ही उन्होंने नारी शक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य और देश में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु केंद्र तथा राज्य सरकार कार्य कर रही है और इसमें आम जनमानस की भी सहभागिता आवश्यक है। वहीं इस पूजा में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल होकर भगवान से आशीर्वाद ग्रहण किए। और चरण बलेश्वर महादेव बाबा, मैं भी आशीर्वाद लेने के लिए आया था, वो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया। साथ ही जनता दूसरा भगवान का हुआ और किसी समय कचहरी में मेरा भी आना जाना रहता है, यहाँ पे बेहद खुशी हुई। और भगवान शिव से आराधना करते हुए कि समस्त झारखंड वासी के 3.25 करोड़ जनता में सुख समृद्धि आए, हर लोग शक्तिशाली बने, हर लोग समृद्धशाली बने, जन जन समृद्धि आए। इसलिए स्त्री शक्ति को हमें राज्य की शक्ति बनाना है, देश की शक्ति बनाना, इस देश में हमारी सरकार काम कर रही है, क्योंकि यही मात्र शक्ति जो हमारी परिवार की कुटुंब व्यवस्था हमारी महिलाएं चलाती, लाख दुख तकलीफ सहने के बाद पुरुष जरूर कमाने घर में पैसा, लेकिन महिलाएं बच्चों को पढ़ाना लिखाना घर का खिलाना सारा सहन करके ये जो परिवार की शक्ति महिला शक्ति है, इसे हमें राज्य की राष्ट्र की शक्ति बनाना। एएमजी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रवि की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी, जल्दी करो। आई बाबा, आई। पापा। बेटा। ठीक से रहना। हाँ, बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में अब आयुष्मान भारत का लाभ गरीबों को मिलता दिख रहा है, जहां गरीबों का बड़ा से बड़ा इलाज निःशुल्क संपादित किए जा रहे हैं। शहर के एक निजी अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी का इलाज पहली बार शहर में आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क किया गया और ये पूरी तरह से सफल भी रहा। डिमना स्थित स्मृति सेवा सदन अस्पताल में ये इलाज हुआ। बताया जाता है कि इनके पास एक महिला पिछले दिनों इलाज के लिए पहुंची थी, जो 3 वर्षों से दूसरे अस्पतालों का चक्कर काट रही थी। आयुष्मान भारत योजना के शुरू होने के बाद इन्होंने कुछ अस्पतालों के चक्कर काटे, लेकिन वहां ये इलाज नहीं हो सका। अंततः इस अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने प्लास्टिक सर्जरी के ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूर्ण किया और महिला फिलहाल पूरी तरह से स्वस्थ है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार इस अस्पताल में आयुष्मान भारत के तहत बेहतरीन इलाज निःशुल्क किया जाता है। आयुष्मान भारत के योजना के तहत ये गरीब मरीज जो जल के 3 साल पहले जली थी और उसका गला बुरी तरह सिकुड़ गया था और वो छाती में सड़ गया था, यहाँ तक कि निचला होंठ भी छाती में सटा हुआ था और वो बाहर में इलाज नहीं करा पा रही थी, तो इसके तहत पहली बार जिले में प्लास्टिक सर्जरी करके इसको हम लोगों ने पूरा रिलीज़ किया है, गले को और होंठ को, और जान से चमड़ा लेके फिर वहाँ पे चमड़ा प्रत्यारोपित किया। यहाँ इस तरह के मरीजों के जो कि जलने के बाद इलाज नहीं करा पाते हैं बाहर में और जिनका अंग बुरी तरह से सिकुड़ जाता है या ख़राब हो जाता है, उसके प्लास्टिक सर्जरी की व्यवस्था है। तो ये हम लोग सबको जानकारी देना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जो कहीं भी हैं उनका यहाँ पर पूरी तरह से ऑपरेशन किया जा सकता है, जो कि ये आप ऐसे ये बाहर करा नहीं पाते, सब इतना महंगा ऑपरेशन होता है, यहाँ पे निःशुल्क हो रहा है। जमशेदपुर के मानगो अक्षेस विभाग में मानगो विकास समिति ने ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने की समय अवधि में बढ़ोतरी किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही इसे भरने में आ रही समस्याओं के निपटारे की भी मांग की। इस दौरान समिति के सदस्यों ने कहा कि ट्रेड लाइसेंस बनाए जाने की अनिवार्यता की जानकारी समय पर नहीं दी गई और न ही इसके लिए अधिक समय दिया गया, जो गलत है। इन्होंने कहा कि मानगो क्षेत्र में 80% दुकानदार भाड़े का दुकान चलाते हैं और उनके मकान मालिक द्वारा उन्हें ट्रेड लाइसेंस के लिए एग्रीमेंट नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि निगम इस मामले में कोई पहल करे और समय अवधि को बढ़ाया जाए। लाइसेंस बनाने को वक्त देना होगा। होल्डिंग टैक्स का बढ़ा हुआ दर वापस लेना होगा। किसी तरह के फाइन को समाप्त करना होगा। मानगो जैसी जगह में 80% लोग किराए की दुकानें लेकर और व्यापार करते हैं। जब वो अपने मालिक मकान से ट्रेड लाइसेंस के लिए एग्रीमेंट वगैरह करने की बात करते हैं तो मकान मालिक जो है सीधे सीधे कहते हैं कि भैया आप मेरा दुकान खाली कर दीजिए, क्योंकि उनको भय है कि यदि किसी कारणवश ट्रेड लाइसेंस इस आदमी के नाम से बनता है तो मेरी दुकान दखल कर लेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में व्यवहारिक कठिनाई ये है कि इस मानगो के 100 में से 80 दुकानदार जो हैं वो बेरोजगारी की स्थिति में आ गए हैं। क्या निगम इस बात को लिख के देगा कि जो व्यापारी ट्रेड लाइसेंस 12 महीने के लिए बनवाते हैं उनको दुकानें 12 महीने तक के लिए दी जाएगी? इस बात की सियोरिटी ले तो दुकानदार भी ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए तैयार है, वरना ये अव्यवहारिक कदम है, इसको वापस लिया जाए। वहीं इस मामले में अक्षय विभाग के विशेष पदाधिकारी का कहना है कि जानकारी अलग अलग माध्यमों से व्यापारियों तक पहुँचाई गयी थी और कैंप भी लगातार चल रहा है। 31 दिसंबर तक तय तारीख पर कोई फाइन नहीं है। इन्होंने कहा कि समिति के लोगों ने उनसे समय अवधि को बिना फाइन के बढ़ाए जाने की मांग की, जिसे वे वरीय अधिकारियों तक पहुंचा देंगे, जिसके बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। ट्रेड लाइसेंस बनवाना नगर निगम में किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आवश्यक है म्युनिसिपल एक्ट के तहत। इसमें हम लोगों के द्वारा मुख्य रूप से जो आज मांग किया गया है उसमें लोगों के द्वारा ये बताया गया है कि सभी लोगों को जानकारी नहीं मिल पाने के कारण 31 दिसंबर तक बिना फाइन के ट्रेड लाइसेंस निर्गत किया जाना था, उसकी जानकारी सभी लोगों को नहीं हो पाई है, जबकि हम लोगों के द्वारा सारे प्रेस समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति दिया गया था, साथ ही साथ अनाउंसमेंट भी कराया गया है, जिसके तहत अभी 3 दिनों से कैंप चल रहा है, उस कैंप में लोग आ रहे हैं। उनका कहना है कि थोड़ी समय अवधि को और बिना फाइन के बढ़ाया जाए, इसके लिए हम लोग उनकी मांगों से विभाग को अवगत करा देंगे। एएमजी न्यूज में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।
अरे यार लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1,00,000 रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल ना दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर, विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार, होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव, सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास, हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास, राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांव की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें, 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। गुरु नानक सेवा दल के द्वारा 3 दिवसीय महाकीर्तन दरबार का आयोजन साक्षी गुरुद्वारा मैदान में किया गया। सोमवार को कीर्तन दरबार के समापन के अवसर पर जिले के SSP व साक्षी थाना प्रभारी को सम्मानित भी किया गया। कीर्तन दरबार में कथावाचकों द्वारा संगत को निहाल किया गया, जिसके बाद संगतों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई। नए वर्ष के आगमन पर तमाम सिख युवाओं को अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए शहीदी को याद दिलाने तथा उन्हें बुरे संगत से दूर रखने के लिए कीर्तन दरबार का आयोजन किया जाता है, ताकि अपने गुरु की आराधना कर सभी नए साल का स्वागत कर सके। जमशेदपुर में अग्रवाल युवा मंच द्वारा बढ़ती ठंड के मद्देनजर गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर शहर के समाज सेवी सर्वराज के मुख्यमंत्री के पुत्र ललित दास भी शामिल रहे। लगातार समाज हित के कार्यों को मंच के द्वारा संपन्न कराया जाता है। शहर में इस बार कड़ाके की ठंड को देखते हुए इनके द्वारा जुगसले इलाके में एक कार्यक्रम का आयोजन कर गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान लगभग 200 गरीबों के बीच कंबल बांटे गए। वैसे पिछले कई दिनों से शहर के अलग अलग इलाकों में इनके द्वारा अब तक लगभग 1,000 कंबल गरीबों को बांटे जा चुके हैं। इस दौरान 2 दिव्यांगों को व्हीलचेयर भी प्रदान किया गया। आयोजकों के अनुसार लगातार ये कार्य उनके द्वारा जारी रखा जाएगा। ठंड को देखते हुए सेवा के क्षेत्र में कुछ कार्य करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें हम लोग जमशेदपुर में विभिन्न जगह में घूम घूम के 1,000 कंबल जो है बांटने का काम किए हैं। आज जो इसका तीसरा चरण का प्रोग्राम महेश्वरी मंडल जुसराई में आयोजन हुआ, जिसमें आज करीबन 200 लोगों को हम लोग कंबल दिए और साथ ही साथ जो है 2 दिव्यांग को व्हील चेयर दिए, जो काफ़ी दिनों से हम लोग संपर्क में था व्हील चेयर के लिए, जिसको हम लोग आज 2 व्हील चेयर देने का काम किए। आगे भी हम लोग इसी प्रकार सामाजिक एवं सेवा क्षेत्र में जो भी काम होगा अग्रवाल युवा मंच हमेशा करेगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। AMG न्यूज की तरफ से तमाम दर्शकों के लिए नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए सौगात भरा हो, यही हमारी कामना है। आज के लिए बस इतना ही, मुखातिब होंगे अगले अंक में। नमस्कार।